यो है सब गाइस, तो कैसे आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सीआई गेमिंग के पीसी बिल्ड की एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग एक मिड बजट में रहते हुए कि अपना बजट आप मान के चलो इंडियन करेंसी के हिसाब से 20,000 रुपये, तो आज हम लोग 20,000 रुपये का पीसी बिल्ड करने वाले हैं। हालांकि इसमें हमने ग्राफिक कार्ड यूज नहीं किया है, पर जो कॉम्पोनेंट यूज किए हैं इससे बहुत बेस्ट रहने वाले हैं और अच्छे हैं। आप इस लेवल पर अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो। मानकर चलो GTA 5 में आपको सिर्फ फुल फुल सेटिंग पर HD पर 100 तो नहीं पर 50-60 FPS मिल जाएंगे लगभग, और माइनक्राफ्ट पर ये कोई 800-1000 FPS मिल जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज यूज की है जो कि हमारे पीसी बिल्ड का धड़कन है, विल। इसमें हमने यूज किया AMD Ryzen 5 5000 GT यूज किया है, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है, और इसमें काफी कार चिप 7 इसमें लगी हुई आती है, और 3 साल की वारंटी के साथ आता है, और 16 GB क्लॉक स्पीड है इसकी, 3.6 GB है, 4.6 अप टू है, AM4 सॉकेट है इसमें, और DDR4 है। DDR4 अच्छा एम सपोर्ट करेगी, और अप टू 3200 MHz तक काफी बेस्ट रहने वाला है ये, और 3 साल की वारंटी आती है ये। इसका कुछ बॉक्स हो गया, GPU किसी बारे में नहीं बताया, मतलब काफी बेस्ट है इसके। आप मान कर चलो आप अच्छी गेमिंग कराएगा। और नेक्स्ट पे बढ़े तो नेक्स्ट पर हमने यूज किया है EVMI 8GB DDR4 डेस्कटॉप 3200 MHz वाली रैम, जो कि काफी बेस्ट रैम रहने वाली है, और अभी आपको ये रैम ऑनलाइन 1372 रुपये में मिलेगी, और 10 साल की वारंटी आती है, और DDR4 है। और अगर आप पीसी ऑफलाइन लेते हो तो आपको ये 9020 में पड़ेगा, और अगर आप इसको ऑनलाइन ले जाओ तो 2122 में मिल जाएगा, इससे महंगा नहीं मिलेगा। और आप मान कर चलो 3200 MHz है, और ये देखो यहाँ पे देख लो 8 GB PM PC 3200 MHz एम DDR4 है, पिन 288 है, यानी कि 288, और 10 साल की वारंटी मिलती है, जो काफ़ी बेस्ट बात हो गई। ये दिखने में कुछ इस प्रकार की नॉर्मल एम है, देख ये ऐसी, और काफी तगड़ा परफॉर्मेंस निकाल के देगी। और आपका बजट बचता हो तो आप इसमें 3000 रुपये में दो लगा सकते हो, 2500 रुपये में दो लग जाएगी आपकी, जैसे कि 16 GB पे क्लियर करूँ मैं, देखो 2500 रुपये में 2 GB लग जाएगी। ये तो मेरे को लैपटॉप की लग गई है यार। चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी तो अपने 8 GB से मतलब है। हाँ डेस्कटॉप है हम चाहिए अब भाई। अच्छा 16 GB अभी डेस्कटॉप में अवेलेबल नहीं है ना, इसलिए तो ये कुछ रैम हो गई इसकी। और इसके साथ नेक्स्ट पर बढ़े, हमने यूज किया EVI M2 556 GB की, 556 256 GB की है ये, और 8 GB SSD है, 530 MB/s, और लो इन स्पीड 420 MB/s है, और ये आपको 5 ईयर की वारंटी के साथ मिलती है, और ये लगभग आपको 1400 रुपये में ऑनलाइन मिलेगी, तो ऑफलाइन सस्ती मिलेगी आपको, काफ़ी बेस्ट है इस बजट के अनुसार आप देखे तो इसको। और आप इसमें गेमिंग में यूज कर सकते हो, वर्किंग में कर सकते हो, और सिस्टम में यूज कर सकते हो, बस वो तो अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसको कहाँ पर यूज करना चाहोगे। और नेक्स्ट पर हमने यूज किया है आसूस का प्रीमियम A520 AMP के मदरबोर्ड, जो कि AMD मदरबोर्ड है, और AM4 को सपोर्ट करता है, अपना प्रोसेसर AM4 ही है, DDR4 अपनी एम है, और AMD Ryzen 5 है, अपना भी AMD Ryzen 5 भी है, जी है, हालांकि यहाँ पे लिखा है AMD Ryzen 5 G को सपोर्ट करता है, जी स्थान पे देख लो। और माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, जो कि अच्छी बात है, 1 GB डेटा ट्रांसपोर्ट की इसमें कैपेसिटी है इस लैन पोर्ट में, और 6
6 GB का आप इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, इससे हाँ GBPS एंड 3.2 का जेन और एक टाइप ए पोर्ट मिल जाएगा आपको, और इसको आपको ये आपको 4.5 हजार रुपये मिलेगा। और थे एक वारंटी के साथ आता है, ये इसके कुछ लोग हो गई दस को, हालांकि साइड के पोर्ट तो इसमें दिखा के तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको 2 USB पोर्ट मिल जाएंगे, एक आपको VGA पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI पोर्ट मिल जाएंगे, दो टाइप से वो आपके नॉर्मल पोर्ट मिल जाएंगे, USB 0.2.2 वाला, और यहाँ पे आपको USB 0.3 के पोर्ट भी मिल जाएगा, लैन पोर्ट मिल जाएंगे और ऑडियो पोर्ट मिल जाएंगे साथ में। इसके साथ नेक्स्ट पर बढ़े, तो नेक्स्ट में हमने यूज किया है इसमें मिनी ATX पोर्ट कहता है अपना, ये काफी ये कौन सा है, इसमें बनने दे मेरे को, ये माइक्रो ATX ये सपोर्ट करेगा इसमें मेरे को पता है। तो अपना इसमें हमने यूज किया जेबोनी का न्यू लुक्स कैबिनेट, ये कैबिनेट यूज किया है और प्रीमियम है, ये भी गेमिंग क्लास कैबिनेट है, 3 RGB आपको इसमें पिन मिलेगा मिनी ATX के साथ, वो ये देखो हम ATX मिनी ATX पोर्ट कहता है इसमें, और प्रीमियम ग्लास है और 120 mm का, इसमें आपको 3 फैन मिल जाएंगे, RGB टॉप पर 2 और एक एक का। और चलो मान लिया, आपको पहले इसकी बता देता हूँ, और ये काफी बेस्ट है, और इसमें आपको व्हाइट थीम में मिल जाएगा और ब्लैक में मिल जाएगा, इसी प्राइस में काफी बेस्ट है। देखो आप देख सकते हो ये कूलिंग के लिए आगे तरफ ग्लास हो गया, ऊपर की तरफ आपको पावर ऑन ऑफ बटन, RGB कंट्रोल बटन, LED बटन हो गया आपको, और ऑडियो पोर्ट हो गया, माइक पोर्ट हो गया, USB 2.0 के 2 पोर्ट और USB 3.0 का 1 पोर्ट मिल जाएगा, और यहाँ पर पावर सप्लाई हो गया, और यहाँ पर 4 स्लॉट आपको मिल जाएंगे। और अभी चलो ठीक है, आपको दिखाता हूँ मैं एक चीज और, सर्चिंग का दिखाता हूँ, आप लोग ये वाला भी ले सकते हो, 200 रुपये ज़्यादा है, पर इसमें आपका मिनी ATX RTX माइक्रो ATX सब लग तरह का लग जाएगा, बहुत सारे आप लोग यहाँ से अपने बजट के अनुसार देख सकते हो, तो कोई बात नहीं, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। हो सकता है ये आपको सपोर्ट ना करे, या फिर आप मदरबोर्ड भी चेंज कर सकते हो, आपको कैबिनेट ज्यादा पसंद है तो सेम VI दूसरा मदरबोर्ड आ जाएगा, जैसे कि 450 आ जाएगा और 420 भी आता है एक, वो आ जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट पर बढ़े, तो हमने एंटी सपोर्ट की VL 400 वाट के, अभी के लिए 400 वाट इनफ है पावर सप्लाई, और इन फ्यूचर आप इसमें 4 GB का या 8 GB का ग्राफिक कार्ड लगाते तब तो कोई प्रॉब्लम, हाँ 8 GB का आएगा, 4 GB तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे आप लोगों का बजट के अनुसार आप लोग ये वाली ले सकते हो, आपको कभी कोई समस्या नहीं आएगी, 2 हजार रुपये की मिलेगी। अगर आप इन फ्यूचर कोई अच्छा ग्राफिक कार्ड लेना चाहते हो, अभी के लिए तो ये बेस्ट है, इन फ्यूचर आप अपने हिसाब से, जैसे कि कोई RTX हो गया, 80 क्या बोलते अपना RTX ग्राफिक कार्ड हो गया, 8 GB, 16 GB, 12 GB का हो गया, तब आपको आ सकता है, इवन अभी के लिए तो ये बेस्ट है। और एक आपको इसमें एक वारंटी मिल जाएगी, एक फैन मिल जाएगा आपको 120 mm का, और गेमिंग के है जैसे तो अच्छी खासी कैपेसिटी के साथ आती है, और एंटी की है ये कुछ इसकी लुक हो गई। तो ठीक है, अपने आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर आज की वीडियो आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय, गुड बाय।